हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 परीक्षा आपके 5 से 22 जुलाई 2022 के मध्य में होने वाली है। तो काफ़ी कम समय बचा आपकी परीक्षा में। देखिए, एमटीएस और हवलदार परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में टॉप 50 जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एमटीएस और हवलदार परीक्षा में पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो इन 50 जीके के प्रश्नों को घोल के पी जाना, वरना बहुत पछताओगे पेपर देने से पहले। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 में रिपीट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डफ नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। देखिए, जो डफ नृत्य है ये भारत के हरियाणा स्टेट का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में फाउंटेन हस फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, जो फाउंटेन हस फेस्टिवल है ये आपके गोवा राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम ग्रामीण बैंक नामक पहला क्षेत्रीय ग्राम बैंक किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये आरंभ किया गया था सिंडिकेट बैंक के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे ने किस जोन ने महिला यात्रियों के लिए नए गुलाबी कोच शुरू किए हैं। तो ये शुरू किए गए हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस देश ने 1000 वर्षीय शावला तेज सिंह मंदिर खोला है। तो ये खोला गया है पाकिस्तान के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वसंधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो वसंधा नेशनल पार्क है ये स्थित है गुजरात राज्य में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रवीश कुमार को 2019 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वडोदरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जो वडोदरा है ये विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। तो विश्वामित्री नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भीमबेटका का रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो भीमबेटका का रॉक शेल्टर है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, जो रासलीला है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख फोक डांस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपके गुजरात स्टेट में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो डॉक्टर बाबा साहेब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये नागपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, बात करते हैं अमरावती की, तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन और बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राजमुंद्री किस नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं राजमुंद्री की, तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्थित है धनबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में बिहार की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
पलजोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बात करते हैं पलजोर स्टेडियम की, तो ये गंगटोक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फलोदी सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए जो फलोदी सौर ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम्पी में स्मारकों के समूह को यूनेस्को ने किस राज्य में विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया है, तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आपके आर्किटेक्चर से संबंधित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एबल प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है। एबल प्राइज रिलेटेड टू विच फील्ड। देखिए जो एबल प्राइज है ये मैथमेटिक्स की फील्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए जो बिहारी पुरस्कार है ये लिटरेचर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं बुकर पुरस्कार की, तो ये भी लिटरेचर की फील्ड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तानसेन अवार्ड रिलेटेड टू विच फील्ड। देखिए तो तानसेन पुरस्कार है ये किससे संबंधित है, तो तानसेन पुरस्कार या जो धन्वंतरी अवार्ड है ये आपके मेडिकल साइंस से संबंधित है। ठीक है, धन्वंतरी अवार्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए जो विश्व धरोहर दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हेफकिन इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है आपके मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान किस शहर में स्थित है। देखिए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा जो संस्थान है ये आपके मुंबई में ही स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी मैरी क्यूरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विष्णु को समर्पित है। देखिए जो मोहिनीअट्टम है ये विष्णु को समर्पित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए जो कामाख्या मंदिर है ये असम में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किलिमंजारो पर्वत किस देश में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है तंजानिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस डैश में स्थित नहीं है, तो ये स्थित नहीं है कोची में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो देखिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो है ढाकेश्वरी मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है आपके बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जून को। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ जियोमेट्री, तो ये आपके यूक्लिड को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस तारीख पर मनाया जाता है, तो विश्व जो पर्यटन दिवस है यानी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो ये डिज़ाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ फिनलैंड, तो ये है हेलसिंकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि शहर को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, करेंसी ऑफ डेनमार्क, तो ये है क्रोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, पुलिकाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए जो पुलिकाली है ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो उत्सव डैश में मनाया जाता है। देखिए जो फ्लैमिंगो उत्सव है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। देखिए वास्को डिगामा का जो मकबरा है ये कोची केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वर राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जिंक की खान के लिए प्रसिद्ध है, जिंक माइंस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मालम पूजा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 जीके के क्वेश्चन रिपीट किए हैं जो 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। रट लीजिए इन प्रश्नों को, ये प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे।